दादा बन गए हम। सेम आपकी तरह स्ट्रॉन्ग लग रही है ना। वेलकम टू दिल्ली। क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा है? मौसी खुदरी नहाती उसको क्या ना लाएगी। तो गाइस ये कपड़े पहनने वाली अपनी पुचकी रेडी हो रही है बिल्कुल। पुचकी का नामकरण है ये। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारी पुचकी का 11वां दिन है और आज है उसका नामकरण। तो आज उसके लिए नाम डिसाइड होगा और उसके लिए पूजा होगी, स्पेशल पूजा रखी है घर पे। तो मम्मी पापा भी आने वाले हैं, बाकी पुचकी के दादी दादा मम्मी पापा सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद पूजा होने वाली है और पुचकी रेडी हो रही है। तो बस बने रही आप ब्लॉग के साथ। एक छोटा सा टेंट भी लगा दिया है, खाने वाने का सारा इंतज़ाम इधर ही होगा और अभी घर के अंदर होगी पूजा। अंदर चल रही है पूजा और अभी यहाँ पे नाश्ता लग चुका है हमारे लिए। तो अभी नाश्ता करेंगे, पूड़ी पकौड़ी प्लस माजा। कैसा लग रहा है भैया आपको? बहुत सही लग रहा है। आज छोटी कितने 11 दिन की हो गई है? 11 दिन की हो गई। 11 दिन की हो गई है। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि छोटी थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि वो साथ खेलने के लिए बहुत छोटी सी है। तो अब उसके साथ क्या ही खेलूँगा, पढ़ो इतनी क्यूट है और इतनी ऐसे ऐसे फेसेस बनाती है कि मज़ा आ जाता है उसको देख के। तो वी ऑल आर एक्साइटेड। Yes. सही बात है। मतलब भैया मतलब क्या होता है, मतलब बेस्ट है यार भैया। मजा आता है भैया के साथ। तो हमारी पुचकी, आज पुचकी का नामकरण है और दादू के साथ है। तो दादू कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो हंस रही है आपको देख के, मुस्कुरा रही है आपको देख के। दादा बन गए हम। माँ भगवती का आशीर्वाद इसकी बना रहेगा इसके ऊपर भी हमेशा, सारे परिवार के ऊपर हमारा, सब लोगों के ऊपर आपके। सेम आपकी तरह स्ट्रॉन्ग लग रही है ना। अरे ओ अरे उठ जा भाई, उठ जा। मैं और भैया जा रहे हैं घर पे, भैया के घर पे कैमरा लेने के लिए, ताकि दो चार फोटोज और ले लें हम लोग अच्छी अच्छी। और अभी हमें नोएडा में जस्ट 2 सेकंड बाद हम क्रॉस कर देंगे नोएडा और दिल्ली में पहुंच जाएंगे। आपको दिखाता हूं, ये पुलिस चौकी, ये है नोएडा की और ये पूरा नोएडा का रास्ता है। तो ये पूरा पूरा नोएडा का इलाका है, ये पुलिस वाले सब नोएडा के हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली। यहाँ पे कोई टोल वगैरह कुछ नहीं है इस साइड में और सीधा पड़ जाएगा मयूर विहार। फेज कौन सा पड़ेगा भैया? थर्ड फेज 3। तो ये लिखा हुआ है देखो, वेलकम टू दिल्ली, आपका स्वागत है। तो यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली में। बस ऐसी बॉर्डर्स होनी चाहिए और सारे देशों के भी ऐसी बॉर्डर्स होनी चाहिए भैया। बस ऐसे चले यूरोप में होते हैं कि रोड के इस साइड, ये कंट्री दूसरी साइड। तो ऐसी मज़ा आता है, वो कोई टोल टैक्स वगैरह पर कुछ नहीं था, आराम से जाओ वापस आओ। बम्पी 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 बम्पी। तो गाइस नामकरण तो हो चुका है, पंडित जी ने नाम ध से रखा हुआ है ना पंडित जी? और राशि क्या है? धनु राशि है। धनु राशि है ओह भैया, आपकी भी धनु है। तो मतलब जैसे भैया इंटेलिजेंट है, वो भी इंटेलिजेंट होने चाहिए। दीदी क्या लेके आई है? क्या लेके आई है दीदी? बुआ, बुआ लेके आई है अपने लाडो के लिए। अच्छा आप तो बुआ हो ना इसकी? हाँ। और ये है संतोषी बाबा।
खोल 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 उसको ऐसे रे दूध। तो इसका चरण क्या हो गया दूसरा, तो कितने साल लगे शुक्र की दशा? 9 साल 4 महीना 14 दिन और 20 सेकंड क्या रहेगी? शुक्र की दशा। जैसे शुक्र की दशा समापन होगी फिर किसकी आएगी? सूर्य की। एक सीरियल से लिखे, मतलब सबके साथ होता है, मतलब आदमी अपने आप पकड़ लेता है कि मेरी कौन सी दशा चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो हमारी नातिनी कैसे खेल रही, देखो वो आगे भी खोल रही है अब, तो पहले वो आगे ही नहीं खोल रही थी वो। हम लोगों का लंच भी हो गया, मज़ा आ गया। कैसी लग रही खीर? बहुत अमेजिंग है। गुलाब जामुन भूल जाओगे। ये भैया ने बोला था। क्या छुपा रहा है? अब बोल। क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं भैया। कौन सा गेम खेल रहा था? कौन सा गेम खेल रहा है? फ्री फायर। ये फ्री फायर खेल रहा है? हाँ, हम दोनों। बहुत अच्छे। और यहाँ पे हमारा शेरू भी डिनर करता हुआ, लंच करता हुआ। शेरी गाड़ी में बैठ। दीदी कैसा लगा आपको नामकरण? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ आए हो, आप बताओ आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे मेरी तरफ क्यों करा? चॉकलेट खा लेगा। शुरू। ये तो बताओ, ये तो मानता है। ये ऐसे एंटरटेन कर देता होगा ना? एंटरटेन करता है? उसका एंटरटेन। टीका लगाओ, नानू को टीका लगाओ, नानू को लगाओ, नानू को लगाओ। ओम भूर्भुवस्वः बोल। ओ इधर कहाँ लगा दिया? ओ सो गाइस, पुचकी की नानी आ चुकी हैं। सबसे बड़ी नानी, फिर उससे छोटी नानी, सबसे छोटी नानी और मौसी आ चुकी है पुचकी की। सबसे पहले मैं पूछता हूँ नानी से, सबसे बड़ी नानी से, कैसा लगा आपको पुचकी का नामकरण था आज? बहुत सुंदर।
तो मैं 10 बजे के निकले, वो 2 बजे पहुंच रहे हो। गाइस इतनी देर में मैं यहाँ से हरिद्वार पहुंच जाता हूँ, उससे भी पहले। अरे तो जाम लगा था, दिल्ली का जाम आप लोगों को पता ही कैसा। छोटी नानी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कितनी खुशी हुई? बता नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है। नाली बन गई और क्या भाई साले। तो और बीच वाली नानी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते। मौसी आपको कैसा लग रहा है? छोटी सी पुचकी को गोद में पकड़ के इसका नाम धनुषी रख दिया हम लोगों ने। धनुषी रखा है या ध्वनि रखा है? जो भी है, जो भी है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है ना छोटी सी। इसका नाम भी कैट रख दे? नहीं, कैट नहीं रखना। नहीं। पुचकी की दादी आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लड़की की सेवा कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, नला रहे हैं, धुला रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हमारा ढेर सारा आशीर्वाद। तो अलका की मामी है ये, आप बोलियो। बोली हाँ, केयर करिए मेरी। तो मामी ही उनकी मालिश कर रही है, सब चीज नला धुला के। और मौसी सिर्फ ड्रामा कर रही है कि मैंने नला दिया। मौसी खुद नहीं नहाती, उसको क्या नहलाएगी। तो गाइस अब पुचकी की दादी आ चुकी है। दादी आपको कैसा लग रहा है? धनुषी ध्वनि नाम रख दिया इसका। बहुत अच्छा। आपको नाम से संतुष्टि है? खुश हो आप? बहुत। आप कुछ रखना चाहते हैं इसका नाम? ना ना, जो रखे सब बेस्ट। हम तो आप भितर पासा बोल रहा। अच्छा, आप मतलब गढ़वाली सिखाओगे इसको? ना ना, आएगी नहीं तो मेरे बच्चों को नहीं आएगा, उसको क्या आएगी। तो गाइस पार्टी वार्टी हो गई, तो मम्मी पापा चाची भाई वगैरह भी आ गए थे और लंच वगैरह हो गया। सबने लंच कर लिया है, अभी सब अपने अपने स्थानों में चले गए। कई अपने घर चले गए, कई भी बैठे हुए हैं अलका के साथ और थोड़ा गपशप मार रहे हैं, और कई बच्चे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।